धनबाद भाषा तुम्हें बुझते कि तोहर भाषा हमें बुझ लियो सुन लियो अब हमार भाषा तो नहीं बुझे पार भा कि ना मालवे आ हमें कहबो से ना बुझबा ना बुझबे आ दादा साहब नहीं तो ऐसे अरे कोशिश करबे मिलाई जुलाई के ना तो हनी एकदम बुझ लो कि ना प्रभात दा में राड़ बांगला में गीत का गाइलो अखनी नाच लो तो हमें तो बुझ ही गेलियो अब तो हनी के तो कुलमाली ता बुझे आतो ना अच्छा ठीक है कोशिश कोशिश तो सबसे पहले सभा के निहार जोहार और आप लोग को जानकारी है जानकारी अच्छा है तुम्हारे के कि एक आंदोलन धनबाद बोकारो था के डाय छी आज के आंदोलन जरूरी की जोड़ने आंदोलन दरकार सेटा बुझबार व्यापार आछे एटा कोलहान सौ कदम दूरी रघुनाथ मातर गांव चुहाड़ विद्रोह महानायक यानी एखने जो तो लोग गिला ऐसे छे सबाय जाने की आंदोलन की बटे आंदोलन की जो इन्हें आंदोलन व्यापार की आंदोलन मतलब की एटा सबाय जाने एखने बंगाल आछे एखने उड़ीसा आछे आछे ना আচ্ছা না গো এইটা ঝাড়খণ্ড এখানে আমরা যেখানে দাঁড়াচ্ছি বসে এটা ঝাড়খণ্ড কিন্তু এ ধারে বঙ্গাল এ ধারে উড়িষ্যা আমি পুষতে চাই যদি আমরা সবাই একটা বাস রিজার্ভ করে নিয়ে বঙ্গাল যাইব তো আমাকে বঙ্গাল সরকার হক অধিকার দিতে পারি আমাকে বঙ্গাল সরকার হক অধিকার দিতে পারি নাই না কে কি বঙ্গাল বঙ্গালের জন্য বঙ্গাল বঙ্গালের জন্য এদিকে উড়িষ্যা আমরা যদি উড়িষ্যা যাই ওইখানে হক অধিকার পাওয়া যায় নাই না কাহে কি উড়িষ্যা উড়িয়ার জন্য যখন আমাকে অধিকার বঙ্গালে নাই আমাদের অধিকার উড়িষ্যানে নাই বিহারে নাই তো ঝাড়খণ্ডে সবকে অধিকার কে ব্যাপার নাই না হয়ে যায় বঙ্গাল বঙ্গালিও কাহে না বিহার বিহারিও কাহে না गुजरात गुजराती का है ना तो झारखंड की सबके होना चाहिए नहीं ना झारखंड सबके नहीं ना एक आंदोलन एक लड़ाई एक झगड़ा कि भाई झारखंड सवार नहीं हमरा 88 बच्चर मोटा मोटी 100 बच्चर संघर्ष करा जाए तार पर हमें ये झारखंड पावा जाए तो सवार झारखंड नहीं तो सबसे पहले आज आपको समझना होगा कि ये आंदोलन अगर हम लोग करते हैं यदि हम लोग आंदोलन लड़ते हैं तो उससे हम लोग को क्या लाभ होगा और नहीं लड़ते हैं तो क्या नुकसान होगा ये तो जानना होगा एटा तुम्हें जानते होगे कि आंदोलन टा लड़ले की फायदा और ना लड़ले हमदा की घाटा आज 88 साल के संघर्ष के बाद हमने झारखंड अलग राज्य लिया है लेकिन क्या यहाँ के लोगों को झारखंड के लोगों को झारखंड में हक अधिकार है शायद नहीं आज हमारे खेत खलिहान कंपनी लेती है फैक्ट्री लगाने के नाम पर तो कभी कल कारखाना के नाम पर तो कभी कोयला खदान के नाम पर तो कभी स्टील प्लांट के नाम पर तो कभी सीमेंट प्लांट के नाम पर यहाँ के लोगों का जमीन लिया जाता है अंदर जमीन लिया जाए किंतु हक अधिकार की जब बात आती है तो सब इधर उड़ीसा वालों को इधर बंगाल वालों को और इधर बिहार वालों को दिया जाता है ये अन्याय है कि नहीं एक अन्याय ये अन्याय है ना सबके घर में बाबू बच्चा लोग स्कूल पढ़ने जाता है ना सभी ने घर है इधर स्कूल पढ़े तो जाए ना की जोड़ने जाएगो कि पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर बाद एक ता नौकरी चाकरी कोनो काम काज धोरे नहीं है परिवार ता चलाए ऐटा है ना ऐटा है अभिलाषा किंतु आज सरकार जो तो वैकेंसी गिला बाहर आ चाहे सुबह एक बाहरी खाते तो केमन आप लोग पेपर देखे होंगे
बिहार में आया है प्राइमरी टीचर का वैकेंसी। प्राइमरी टीचर यानी जो पांचवा तक जो मास्टर लोग पढ़ाता है। अब आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, इतना तो आप लोग समझते हैं कि प्राइमरी टीचर क्या है, मिडिल स्कूल में टीचर क्या है, हाई स्कूल क्या है और प्लस टू क्या है। आप लोग समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे दीदी लोग तुम लोग भूलते पाई ना। एक तो मास्टर वैकेंसी ऐसे जो बिहार है और एक खाने लिखा आछे कि नौकरी तो वाक्य दिवो जे बिहारी बोले। बिहार एक तो मास्टरी वैकेंसी ऐसे छे निचुल पेपर तो लिखा आछे कि नौकरी तो हमी वाक्य दिवो जे बिहारी बोले। पंजाब में भी एक वैकेंसी आया है, वहां के मुख्यमंत्री जे और एक खाने मुख्यमंत्री वार बयान आछे कि ये नौकरी तो वहां पाएंगे जे पंजाबी भाषा जानी। पंजाब में नौकरी जब पंजाबी भाषा जाने वाला पाई। कुछ दिन पूर्व बंगाल में एक तो वैकेंसी ऐसे थी मास्टर वैकेंसी, एक है ना साफ साफ लिखा है कि जब बंगला जाने वहां के नौकरी का दिवो। किंतु झारखंड में वैकेंसी में क्या लिखा है आप लोग सब पढ़े लिखे भैया लोग हैं। अभी जो टीचर का बहाली आया है देखिएगा वो अभी, हालांकि पूरा धरातल पे बहाली नहीं आया है, उस बहाली में क्या लिखा है, भारत का नागरिक होना चाहिए। बंगाल में बंगाली को नौकरी मिलेगा तो किसी को तकलीफ नहीं है, बिहार में बिहारी को नौकरी मिलेगा किसी को तकलीफ नहीं है, पंजाब में पंजाबी का बात होगा किसी को तकलीफ नहीं है, झारखंड में पूरा इंडिया को नौकरी मिलना चाहिए, गोटे इंडिया को झारखंड में मिलना चाहिए, गोटे इंडिया में। इसे भारत हमने भारत देश राज्य झारखंड, भारत देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इतना अन्याय हो रहा है जो आज झारखंड के साथ हो रहा है। जल जमीन जंगल तो सब दिनों दिन छीना जा रहा है। आपका दलमा का पहाड़ काट के सड़क बना दिया है, कौन बोल रहा है कि पहाड़ पर्वत हमारा नहीं छीना जा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक तो बात याद रखो कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से उस समय भारत के लिए नहीं थी बल्कि अलग झारखंड के उस समय भी। आज भी इतिहास के पन्नों को उलट के देखिए कि भाई हम लोग अंग्रेजों से क्यों लड़े थे। महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा, साहूकारी प्रथा, यानी जो झारखंड में ही झारखंड के लोग हम पर जुल्म करते थे उसके खिलाफ भी लड़ाई थी। इसलिए इस मतलब में मत रहिए कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लिए लड़े थे, उसी समय हम लोग अलग झारखंड के लिए भी लड़े थे। अंग्रेजों के टाइम हम लोग जिस काम के लिए लड़ते थे, महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा, उसी प्रथा के अलग झारखंड राज्य में भी लड़े हैं हम लोग। अलग झारखंड हम लोग क्यों मांगे, इसीलिए कि हमारी एक अलग पहचान थी, अंदर भीरु चिन्ह। सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, सब मानुष के लायक जैसे नहीं है, नहीं ना, भीरु चिन्ह है के लंबा के उलाटा के मोटा के गोरा के काला के सावला सब भीरु भीरु अच्छे तार मतन झारखंड हमरा भीरु लोग हमरा पूरा भारत वर्ष मतन हमरा भीरु लोग। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग भीरु लोग कैसे 1865 में भारत देश में कानून बना था, एकटा कानून, तो कानून का नाम छिला इंडियन सक्सेशन एक्ट। उस कानून का नाम था इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1865 में बना था, यानी उधर 35 इधर 22, 57 और 100, 157 साल पहले, मोटा मोटी 150 साल पहले एक कानून बना इंडियन सक्सेशन एक्ट। वो कानून पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत में लागू था, लेकिन 20 साल बाद जिसने कानून बनाया था उसने खुद कहा कि ये कानून पूरे भारत में चल सकता है लेकिन झारखंड का छोटा नागपुर का पठार में नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा, ये कानून, ये कानून का गोटे भारत में चल सकता है लेकिन जो छोटा नागपुर है वहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी धार्मिक पहचान अलग है, उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग है, उनके रहने जीने खाने पीने शादी ब्याह यहाँ तक मरने का जो तरीका है, जो विधि नियम है सबसे अलग है। हमारे जो भी नियम है
वो पूरे भारतवर्ष के लोगों से अलग था, इसलिए अंग्रेजों ने हमें अलग कानून दिया है। 1837 में यही आपका कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू किया गया था, आप लोग को याद होगा, तुम्हें जानी देखा विल्किंसन रूल 1837। 1908 में सीएनटी कानून, हालांकि यहां भी थोड़ा साजिश हुआ था हम लोगों का, ये कानून 1903 में ही बन गया था। जो सीएनटी कानून था वो 1903 में ही लगभग बन चुका था, लेकिन 5 साल देरी क्यों किया पता है? क्योंकि हम लोग का जितना जमीन छीना गया है अभी 1907 में, ये कंपनी को जितना जमीन दिया गया है ना, जो साक्षी गांव आज जमशेदपुर बना है, इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी है हमारा जमीन को जबरदस्ती हड़पा गया है, हमारी जमीन को हमसे छीना गया है, यही कहानी है 5 साल लेट होने की सीएनटी कानून बनने में। आप यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हें सबाई जानकार लोग, 1903 আমাদের কানুন বনে নিয়ে তৈরি ছিল, লেকিন লাগু করতে করবার জন্য 5 সাল, ইসিলিয়ে উনে আমাদের জমিনও কো ছিন থা আর জমিন কম ছিনা গয়া 1907 মে। ये जो कंपनी जो साक्षी गांव जमशेदपुर बना है, ये 1907 में हमारी हजारों एकड़ जमीन को छीनने के बाद ये साक्षी गांव जमशेदपुर बनता है, और फिर 1908 में सीएनटी लागू होता है। यदि मान के चलिए थोड़ा सा अभी मैंने नहीं है कि यदि कानून 1908 के जगह 1904-5 में बनता तो क्या होता, ये जमशेदपुर आज भी साक्षी गांव होता। आज जो जमशेदपुर है जिसे आज जम कहते हैं, अगर ये कानून 2-3 साल पहले बनता तो आज भी हमारा होता, हमारे गांव वालों का होता, जिनकी जमीन थी उनका होता। बहुत साजिश हुआ है हमें मिटाने के लिए, पहले भी साजिश हुई है, आज भी साजिश हो रही है, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए अंग्रेज की सरकारों ने भी साजिश किया था, भारत की सरकार ने साजिश किया, और आज झारखंड की सरकार भी वही साजिश को दोहरा रही है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे साजिश हो रही है? झारखंड सरकार 2021 में वो बिल लेके आई थी, जमीन बिल था, लैंड पोल बिल, वो बिल का नाम क्या था? लैंड पोल बिल। इस बिल का मतलब था, बिल्टर माने चिलो 20 किलोमीटर दायरा, शहर थके 20 किलोमीटर दायरा, जोन गवर जमीन पावा जाए, सरकार मनमानी ढंग थके तुम्हारे जमीन का अपन कब्जे लेते पाए। 2021 में ये कानून आया था, उसको लैंड पोल बिल के नाम से जाना गया था, जब विरोध किया गया तो फिलहाल वो बिल अभी ठंडा पड़ा है। इसी तरह अगर हम लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, अगर हम लोग विरोध नहीं किए, अगर हम लोग आंदोलन नहीं किए, वो बिल भी आएगा और नया बिल भी आएगा, और जहां हम लोग बैठे हैं पता चलेगा ये किसी पूंजीपति अडानी अंबानी को बेचा जा चुका है। इसीलिए आंदोलन जरूरी है माताओं बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, किसी को भगाने गए हैं क्या? अंदर एकता इतिहास अच्छे की आमी कोनो राज्य कोनो जिला थके चढ़ाई कोई नहीं है वादर संपत्ति छिने छी, एकता इतिहास अच्छे नहीं अच्छे आमी आंदोलन कोखन जखन के हमारे माटी संकट अच्छे तखन हमरा आंदोलन तखन हमरा विद्रोह करे छी। जबकि दुनिया के राजाओं का इतिहास है, उन्होंने एक सुंदर स्त्री को पाने के लिए युद्ध कर दिया किया है ना, राजा लोग एक स्त्री को पाने के लिए हजारों लोगों का गला काट दिया, खून का नदी बहा दिया, तो एक राज को जीतने के लिए उन लोग खून का नदी बहा दिया, लेकिन हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े हैं, ना किसी रानी को जीतने के लिए लड़े हैं। अगर है तो बताइए आप, क्या हमारा इतिहास है कि हमने किसी रानी को अपना बनाने के लिए युद्ध किया है, या किसी का जमीन छीनने के लिए युद्ध किया है? नहीं, हमने तब युद्ध किया है जब हमारी माटी में संकट आया है, जब हमारे लोगों पर जुल्म हुआ है, तब हमने युद्ध किया है। आज युद्ध की दरकार है,
আজকে কোন যুদ্ধের দরকার কায় কি যদি আজকে লড়া না যায় তাহলে বলা পিড়ি যে আমাদের থাকবে বড় গোলাম বানাই নি বড় গোলাম থাকবে সে জন্য আজ আমাকে নিশ্চিত করতে হবে কি আনে বলা পিড়ি থাকে ওকে আজাদি চায় ইয়া গোলামি চায় এটা আমাকে তো করতে হবে ये लड़ाई अंतिम है क्योंकि इसके बाद झारखंड के लोग लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे भी हम लोग परेशान हैं, आज ब्लॉक में परेशान है, कभी कंपनी में परेशान है, कभी डीसी ऑफिस में परेशान है, तो कभी नेता मंत्री के सामने परेशान है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब हम लोग रोज रोज युद्ध नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी युद्ध होगा, ये लड़ाई अंतिम होगी, ये लड़ाई आर पार की होगी। तुमरा बंजारा के देखे छी? बंजारा गुलगुलिया देखे छी? नहीं मायरा काकीरा तुमी बंजारा गुलगुलिया नहीं देखे छी? वादर घर द्वार नहीं, आज के आए खाने काल के आए खाने परसों आए खाने वादर घर द्वार नहीं, वादर बेघर लोग बटे वाला। किंतु एक तो समय छिलो जखन वादेरो घर बाड़ी छिलो, কিন্তু আজকে ওদের ঘর দুয়ার কোনো কিছু নাই, কারণ এর মতন কোম্পানি এর মতন সরকারের নিয়ম এর মতন ওরা লড়তে না পারলি আজকে এখানে কালকে ওইখানে যে মাংবার জন্য তোমাদের বাড়ি আসছে না কি আমাকে মাংবার জন্য, তো এটা নাই। ওদেরও বাড়ি ছিল, ওদেরও ঘর দুয়ার খেত করে আনছিল, কিন্তু আজকে কিচ্ছু নাই আছে। এইরকম এইরকম যেরকম আজকে আমরা আছি, কোম্পানি আসছে আমাদের জমি নি আর আমাকে আমায় কি দিচ্ছে? আপ লোক ফিল্ম মে শুনে হোগে কি কুম্ভ কা মেলা মে ভাই লোগ ভি চড়তা হ্যায়, শুনে হ্যায় না? আরে ফিল্ম কা বাত ফিল্ম হোতা হ্যায়, আর ইয়ে ঝাড়খণ্ড চান্দিন ড্যাম কা বিস্থাপন মে হাজারো ভাই লোগ ভি চড়া হ্যায়, সহি কাহানি হ্যায় না? চান্দিন ড্যাম জানি না গো, তুমি চান্দিন ড্যাম গেলা ছি? নৌকা বিহার করতে জন্য না চান্দিন ড্যাম লোক দেখনে কে লিয়ে আতে হ্যায়, लोग आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो डैम हमारे लिए दर्द का कारण है। 84 मोजा जानी ना, यानी 116 गांव, वो डैम का बनाने के समय 116 गांव को वहां से हटा दिया गया है। एक दो को नहीं, 116 गांव। तुम्हीं आप लोग कई गांव घूमे हैं, एक ता ससुर बाड़ी, एक ता बापेर बाड़ी, एक ता मोसिर बाड़ी, अपने ना 116 गांव को उजाड़ा गया है। एक वो दो वो नहीं, 116 टा गांव चांदिन डैम जखान बनते जाए, 116 टा गांव मने जल समाधि नहीं आ सकी, जल समाधि। ठीक है, लोग कहते हैं कि दुनिया में हर जगह जमीन लिया गया है विकास के काम के लिए, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, लेकिन जमीन के बदले वहां के लोगों को उचित नौकरी, उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया गया है। पुनर्वास यानी अभी मान के चलिए इच्छा डैम बनने वाला है, आप सुने होंगे, तुमने सुने थे ना? अरे एक नूतन डैम बना सरकार प्रस्तावित कर रही है, इच्छा डैम मोटा मोटी 40-50 गांव फिर से खाली होंगे, तो भाई उनका तो घर होगा ना, तो क्या पुनर्वास की योजना लागू है झारखंड में? अगर 100 मकान आता है तो 15-20 को मकान उनको दिया जाता है जिनका मकान उजाड़ा गया है, बाकी 20 को में विधायक जी का रिलेशन, 20 को में सांसद जी का, 20 को में मंत्री जी का, और बाकी कलेक्टर है, SPDC जितना कंपनी है उनका बड़ा बड़ा आदमी का झोली में चला जाता है। गरीब आदमी, गरीब आदमी आज भी गरीब होता जा रहा है, इसीलिए लड़ाई की जरूरत है, इसीलिए ये लड़ाई की जरूरत है, खुद को बचाने के लिए, खुद को गुलगुलिया बनाने से रोकने के लिए। नहीं तो आने वाला दिन आज वे लोग सड़कों पर हैं, हम लोग भी सड़कों पर होंगे, ये तय मानिए। आज मोटा मोटी साक्षी गांव की बात करें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या सरायकेला की बात करें, लगभग नए करने से भी हजारों गांव उजड़ा है, उजड़ा है कि नहीं उजड़ा है? आज यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं तो क्या आपका गांव का नंबर नहीं आएगा?
ये मत सोचिए कि आंदोलन धनबाद और बोकारो से आया है, यदि आपका कनेक्शन धनबाद बोकारो के साथ है, यदि तुम्हारे कनेक्शन धनबाद बोकारो उनके साथ है, तो भाई आंदोलन को आपको भी लड़ना होगा। क्यों, एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक किसान था, चाचा समझ रहे ना, बोलते भाई ना, एक किसान छो, वो किसान तीन गो वस्तु नहीं पशु अपने घर पालतू बनाया था। देखो पेरवा, पेरवा समझते हैं ना आप लोग, पेरवा पूछते भाई, पेरवा नहीं जानी, कबूतर, कबूतर हो ना, एक है पायरा, कोई पायरा ना, एक पायरा क्या पोषण छिल किसान भाई, एक पायरा एक मुर्गा, मुर्गा बोझी तो मुर्गा नहीं बोझी, मुर्गा बोझी साला पायरा एक साला और एक पाठा, पाठा के पाठा बकरा नार भीरू नाम छागल, छागल टा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बोली पाठा बोली ना, तो एक पायरा पोषे छिल, एक साला पोषे छिल और एक पाठा पोषे छिल। একদিন পায়রার পায়রার টং টং বুঝি না, পায়রার টংটায় একটা সাপ এসে গেল, যখন সাপটা এসেছিল পায়রার টংটায়, তখন পায়রা গেল সালার কাছে কি দাদা তুমি আমার বড় ভাই, আমি সাপটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না, কারণ সাপটা দমে খতরনাক আছে, আমি ছোট আছি। তো সালা বলল ছোট ভাই এটা তোমাদের বিপদ, এটা তোমাদের বিপদ, তুমি জানি আমি তোমাদের মদত করব না, আমি তোমাদের মদত করব না, আমরা ভি এই করতে হ্যাঁ, अगर कोई छोटा भाई मदद मांगे मुसीबत में, हम लोग पल्ला हाथ झाड़ लेते हैं कि भाई मेरा पास भी नहीं है। तो पायरा गेलो सड़ा का चेयर, सड़ा बोल लो इटा तुम्हारे मामला, इटा तुम्हारे झगड़ा, हमें तुम्हारे फोन दीते पार बोलना है। अब पैरा गेलो पठार का चेयर कि दादा तुम्हें बड़ो भाई, तुम्हारे बड़ो बड़ो सिंह आ चेयर, तुम्हें सांप टाके धक्का दिए नहीं बाहर कर दाओ। पठाटाओ वही उत्तर दिलो कि झगड़ाटा विपदाटा तोर बटे, हमें सॉन्ग दीब ना। पायरा अपन छवा छवाई बोलते हैं आप लोग बच्चा को, छेला अपन छोटे छोटे छेला गिला उनको लेकर वो उड़ जाता है, कौन पेरवा पायरा कबूतर, पायरा तो उड़े गिला किंतु सांप का छिलो ओए खाने उधर टोल टाइम सांप पे पायरा के पायलो ना है, पायरा छिला गिला पायलो ना है, तो कौन राती सांप टाइम एक फपका मतलब डंग मारना, किसान की जो पत्नी थी किसान ने बोट आके काटे लिलो सांप टाइम, क्योंकि सांप का थाके सांप का टोलता है एकड़ो थाके, पायरा अपन छिला गिला लिए उड़े गिलो। अब किसान की पत्नी बीमार हो गई, किसान है वो बीमार, बिहाने चारटा लोग आयलो झाड़ फूक करवा जने, झाड़ फूक बुझी ना सापे काटे छे काके किसान है वो टीके, तो सोकाले चार और अब दे लो झाड़ फूक करवा जने, तो झाड़ फूक करवा जने जखन आइसलो तो खबर चाहिए ना, खबर चाहिए ना, मुर्गा मुर्गा के काट लो, मुर्गा के काट लो। दो दिन पहले आर दोटा कुटुम आसलो, आ मुर्गा तो छिलो नहीं बाचलो पाठा वाके काट लो कुटुमेर जन्ने। तो ये कहानी तार मतलब कि साला यानी मुर्गा और पाठा अगर मिली के पायरार सोल दी तो लो, अगर उनका साथ देता तो तीनों आज जिंदा होते, यदि बकरा यानी पाठा और मुर्गा अगर मिल के कबूतर का साथ देते तो आज तीनों जिंदा होते, इसी को समाज कहते हैं। आप बलवान हो सकते हैं, तुम्हें बलवान तुम्हें धनवान, किंतु निंसा कौन कौन रूपे आसबे क्यों जानी ना, निंसा कौन कौन रूपे आसबे क्यों जानी ना, তুমি ধনবান বলবান কিন্তু নিংসা কেউ জানি না, সেক সে জন্যে লড়াই সামূহিক লড়াই মিলকে,
इसीलिए हमें ये धनबाद बोकारो से लड़ाई आया है, लेकिन यदि आपका कनेक्शन धनबाद बोकारो से है तो साथ संग देना होगा। गांव में जब आग लगता है आग एगो घर में लगता है ना, एक तक घर आग लगे, किंतु यदि उचित समय जल ना दीते गए आग तो धीरे धीरे गोटे गाँव तक लगते पारे भाई ना। वो तो सेम होता ये लड़ाई का, ये लड़ाई कहाँ से आया है वो मतलब नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए है कि नहीं है ये मतलब है। ये लड़ाई भला धनबाद और बोकारो से आया है, कोयलांचल उधर कोयला मिलता है, इधर आपका यूरेनियम मिलता है ना, सोना मिलता है, अब सोना भी मिलने लगा है धनबाद। तुम्हारे आपस कुटुंब आछे की कारण आछे अच्छे, तो ये लड़ाई भले धनबाद और बोकारो से आया है, लेकिन यदि इस लड़ाई में आप साथ देते हैं और फिर नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपका भी है। इसलिए आज कोल्हान की माटी में कोल्हांचल का ये बेटा एक संदेश लेके आया है, कोल्हांचल का ये बेटा कोल्हान की माटी में संदेश लेके आया है कि कोल्हान तो वीरों की धरती है, अरे कोल्हान तो ढाल विद्रोह की धरती है, कोल्हान तो चुहार विद्रोह की धरती है, कोल्हान भूमि जो कोल विद्रोह की धरती है, तो फिर इस नए आंदोलन में कोल्हान पीछे क्यों रहेगा। जब हम लोग आजादी का किस्सा पढ़ते थे, हम लोग आजादी के बारे में पढ़ते थे ना कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अली खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, तो मन में होता था कि काश हम भी उनके साथ होते, मन करता था ना कि काश उनके साथ होते। चलिए वहां तो नहीं हो पाए, फिर हम लोग अलग झारखंड के लिए लड़े, निर्मला, विनोद बिहारी, गुरु जी, कॉमरेड एके राय, तमाम वीर लड़े, तब फिर मन में आया कि काश हम निर्मला के साथ होते, मन में ना, वहां भी हम नहीं थे। तो मन को मायूस मत कीजिए, वह दिन आपके पास आया है, इस आंदोलन में आप साथ दे सकते हैं, ये आंदोलन इसमें आप निर्मल, आप सुनील बन सकते हैं, और ये फिर संदेश दे सकते हैं कि यही वो चुहार विद्रोह की धरती है जहां अंग्रेजों के बंदूक का सामना हमने तीर धनुष से किया था, यही वो कोल्हान की धरती है। और डर लगता है क्या, लड़ने से डरते हैं क्या आप लोग, डर लगे कि आज डर का है, डर का है, एक दिन तो सभा के जाते हो ना, एक दिन सभा के जाते हो ना, डर का है, अरे हम लोग मरे हैं, हम लोग कटे हैं, निर्मलता का खून बहा है, शहीद सुनील महतो का खून बहा है, वे लोग हमारे लिए मरे हैं, शहीद हुए हैं, तब हम यहाँ लोग शांति से बैठे हैं। तो अगर हम लोग मरते हैं, लड़ते हैं, तो आने वाला पीढ़ी सुख शांति से अपने खेत खलिहान में जिंदा रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं मर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए लड़ रहे हैं। और मरने का तो रोज मरते हैं, एक तो दिन ऐसे है जी हमरा मोरी नहीं, हमने रोज मोरी, अब आप कहेंगे कैसे, कखनो जाता है के कखनो पिसाए के कखनो काटाए के कखनो छछाए के कखनो पानी डूबी के कखनो तारी लटकी के, तो कभी रोड एक्सीडेंट में हमरा तो रोजे मोरी, कोनो दिन अच्छे जे हमरा नहीं मोरी, रोजे मोरी, किंतु ये जे मोरबा समय इटा काटाए के छछाए के नहीं, इटा हक अधिकार के लिए है। ये जो मरने का समय है, ये कटकर पिसकर रोड एक्सीडेंट में नदी में डूब के लाइन में सट के भोग से नहीं, इस बार हक अधिकार के लिए आंदोलन करके मरने का समय है। और आपको तो 1%, अगर हम लोग 1% लोग भी अगर लड़ने के लिए सरकार से आग से आगू लेने के लिए तैयार होते हैं, तो सरकार थर थर कांप उठेगी,
झारखंड की आबादी जो है मोटा मोटी 3 करोड़ अच्छे ज्यादा अरे ठीक है मोटा मोटी 3 करोड़ अच्छे ना झारखंड आबादी ज्यादा किंतु कम ना है আমরা মানে নিয়ে চলুন যদি আমরা 1% এই 30,000 লোক আমরা 30,000 লোক বিধানসভা ডায় নিয়ে আগার চুটকি বাজায় না তো বিধানসভার এক একটা ইট হিলে যাবে চুটকি গলি বারুদ তো দূরের মতন দূরের কথা খালি আমরা 30,000 লোক বিধানসভার চারিদিকে ডায় চুটকি বাজায় তো বিধানসভার এক একটা ইট हिलने पर मजबूर हो जाएगी। अरे उतना तो छोड़िए पसीना सुबह कैसे थी ना हमारा 30,000 लोग अगर पसीना का झाड़े आए खाने तो एक खाने बाढ़ आ जाए विधानसभा बाढ़ आ जाए। आज समय है एक ललकार की, आज समय है एक हुक्कार की, आज समय है एक युद्ध की, आज समय है एक विद्रोह की, नहीं तो फिर आने वाला पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, आपसे सवाल करेगी कि आप लोग तो किताबों में बड़ी बड़ी बात करते थे, तुम्हारा बड़ा बड़ा डीन हाके ची निर्मल दादा रघुनाथ मातो बिरसा सिद्धू कानू शक्ति विनोद सुनील मातो तो तुम्हार बेटा को थाई तो देर बेटा रखो थाई आज के दरकार अच्छे वो बेटा का देखभाल समय ऐसे चे आज अगर नहीं लाते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बना ली जाएगी। आपने कभी सोचा है कि इन लोगों ने हमारे खेत खलिहानों को टारगेट क्यों किया? आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, आज से 30-40 साल पहले अगर हमारे गांव में किसी व्यक्ति को नौकरी दिया जाता था वे लोग बोलते थे बापर बाड़ी अच्छे बापर चास अच्छे हमें खाटे नहीं है खाबो हमें खाटे नहीं है खाबो किंतु तुम्हारे नौकरी नौकर बनते जोड़ने नहीं कर गो ऐसा ही ना तो ये लॉक गिला दो में चालू जे लॉक गिला हमारे के मिटाते चाय आमा के लूटते चाय वारा दुमे चालू वारा তখন আমাদের জমিন ছিনবার জন্য নতুন নতুন নিয়ম বানাতে লাগেছে। ये नया नया नियम हमारी जमीनों को छीनने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे पास जमीन रहेगी हम लोग राजा रहेंगे। अरे नौकरी अरे वो एसपी रहे चाहे डीसी रहे क्या लिखा होता है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 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 यानी सेवा सेवा कौन करता है सेवक सेवक मैंने साफ भाषा में नौकर आप एसपी हैं डीसी हैं मतलब नहीं आप हैं सरकार का जनता का नौकर और खेती है मतलब क्या अरे जैसा भी है रोपे चाहे नहीं रोपे धान दे चाहे गेहूं दे कोहरा दे चाहे झींगा दे चाहे टमाटर दे चाहे आलू दे मेरा बाप का नाम राजा है इसीलिए यारा चलग लोग यारा हमार बाड़ी छीनते चाय यारा हमार खेती छीनते चाय से जुड़ने नियम बनाते जाए जमीन संबंधी भूमि संबंधी सारा नियम इसीलिए बनाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए ना ये जमीन जो आप लोग देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर खेत ये सुंदर मैदान किसी ने हमको दिया है क्या केवल हमारे उपहारे दिए थे कि नहीं ना उपहारे पावा जाए टैट तक उपहारे नहीं पावा जाए ऐटा में कुरूल करे थे कुरूल बुझी ना धनबाद बोकारो ऐटा के कारहा बोल हमरा ऐ खाने कारहा बोली तुम ये ऐ खाने कुरूल बोली ना कि कमेडी कुरूल करे गलती क्या कुरूल करे गलती चले कि खाते मांसिस हम लोग बोलते कारहा करे क्या ना कि खाईले मांगे हैं तुम्हें कुरूल बोली हमरा कारहा बोली इसका मतलब क्या होता है थोड़ा फिर समझा देते हैं। आज से 300-400 साल पहले जब हमारे पूर्वज घर को छोड़कर उन जमीन को जिनमें ढेला पत्थर कांटा कंकड़ होता था उनको जोतने के जैसा बना के आते थे उसे कुरोल कहा जाता है। यानी आज जो जमीन हम लोग देख रहे हैं किसी ने पसीना बहाया है तब आज ये जमीन हमारे पास है। इसलिए
अभी आप तय करना है कि बाप दादा की जो खेती है उसे बचाते हैं या लुटाते हैं, ये आपको हम सबको तय करना है। दूसरी बात याद रखिएगा, कोई मसीहा आने वाला नहीं है, कोनो भगवान आइस बैग ना है, इधर कोली जो केवाईसी बैग ना है, तुम्हारे लड़ते हो बैग केवाईसी बैग ना है, তোমাকে লড়তে হবে বিধায়ক সাংসদ মন্ত্রী কেউ আসবেক নাই। আমি এখনো বলছি আমরা ব্যক্তির বিরোধী নাই, আমরা বিধায়ক সাংসদের বিরোধী নাই, আমরা ওদের নীতির বিরোধী। কালকে আজকে বা কালকে থাকব। বহু সারে লোকে কহা কি আমার কলহাম মে जो एक विधायक है वो शहीद परिवार से है। देखिए शहीद होना अलग विषय है और शहीद का परिवार होना अलग विषय है, शहीद का सम्मान अलग विषय है और शहीद के परिवार के सदस्य का सम्मान अलग विषय है। अरे आप तो अगर शहीद परिवार से ही संबंध है तो हम चाहेंगे आप तो पूरे झारखंड की शक्ति आपके पास है, अगले विधानसभा में पहली आवाज यहाँ से होनी चाहिए। दादा ने समाज में जो सम्मान पाया है क्या पोता को भी आप वो सम्मान दे पाएंगे? नहीं। पोता को स्थान दे सकते हैं कि फलाना का ये नाती है, पोता को अपना सम्मान अपने कर्म से हासिल करना होगा। यदि ऐसा बात है तो गुरुजी भी तो एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी है, फिर हेमंत का विरोधी क्या है भाई? इसलिए गुरुजी है, हेमंत गौरी नहीं है। हेमंत तो गजरा मोरा क्या जानता है, कभी आंदोलन किया है क्या, कभी लाठी खाया है क्या, कभी जेल गया है क्या, कभी किसी का सामना किया है क्या? तो गुरु जी का सम्मान हो सकता है, हेमंत का नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी अलग विषय है, क्रांतिकारी का परिवार अलग विषय है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते भाई, हो सकते हैं क्या? अगर दादाजी को पूजे हैं उनका अच्छा कर्म से, तो नाती अगर गलत कर्म करेगा तो क्या उसको ही पूजेंगे? नहीं ना, यही लोकतंत्र है, यह पूजा कर्म की होगी नहीं, कर्म किसने किया है वो अलग विषय है, आज आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। ये लड़ाई ये झगड़ा था प्रारंभ कहां से हुआ था? भाषा से। ये लड़ाई था भाषा में प्रारंभ हुए थी। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, हमें बात करते चाहिए कि अंदर निजर संस्कृति अंदर निजर परंपरा दो में सुंदर अच्छे अंदर निजर भाषा निजर संस्कृति निजर पौरव भाषा दो में सुंदर किंतु हमारा लोकल करते जाए আমরা নকল করতে যাই, আমরা বাহারে লোকের পরব ভাষা নিজের গ্রামে নিজের ঘরে ঢোকাই দিয়েছি, সত্য কথা না? আমাদের প্রথম হার ওইখানে যখন আমাদের ঘরের নতুন বিটি ছোয়া মানে ভজি গিলায় ইডলি ওলা মেশিন লেকে আই গেল, ইডলি সময় হয় না, নতুন ভাবি সব ইডলি ওলা মেশিন লে আই ইডলি বানানে কে লিয়ে খাপড়ি রুটি ভুল গই হ্যায়, खापरी रोटी नहीं समझ रहे क्या आप लोग? दादी भूजी ना खापरी रोटी, तो आज कलर भौजी गिला आज कलर दीदी गिला खापरी रोटी बोला है, इडली ब्रेड टोस्टर नतुन नतुन इडली डोसा मैगी बना लेना स्टार्ट कर दिए थे। अंदर संस्कृति यही टाना है, अंदर संस्कृति खापरा रोटी मोड़वा रोटी ढाकरा रोटी একটা আমাদের সংস্কৃতি বটে না, আমাদের একটা সংস্কৃতি, কিন্তু আমরা কি করলে বাইরের পরম নিজের ঘরে বাইরের খান পান নিজের ঘরে কিন্তু আমাদের পরম ধীরে ধীরে আমাদের পৌঁছান ধীরে ধীরে খতম। আপনার কবি দেখে হ্যাঁ কিসি নে কোয়েল কো গুলাম বানায়া হ্যাঁ, কোয়েল সমঝ রহে না, कौवा कौवा पूछ रहे हैं, कौवा पूछ रहे हैं ना, वो तुम्हें कौवा पूछी कहो कहो जे कहो कहो करी आज एक खाने अच्छे कौवा ना है, आज एक तक कौवा देखे लाओ, एक तक कौवा कौवा के क्यों धारे ना है,
के কেউ পাঁধাই বাঁধি নাই কেবা কোবা কে কেউ পিলা ধরে নাই কায় পাতা কোয়ার নিজের ভাষায় বাত করে ই কাও কাও কোয়ার নিজের ভাষা সে জন্য ইয়াকে কেউ ধরে নাই ইয়াকে কেউ বাঁধাই নাই ইয়াকে কেউ পাঁধাই বাঁধে নাই ইয়ারা আজাদ থাকে এখন নিম গাছে এখন আম গাছে এখন পিপর গাছে ইয়ারা আজাদ থাকে কাহে কোয়ার নিজের ভাষা নিজের পিনহা নিজের পর ভাষা জানি আর সুগাকে দেখেছি সুগা তুমি কি বলি মিঠু 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 কে লোকে পাঘায় বাঁধি মিঠু কে লোকে পিনরায় ভরি কাহে মিঠু পরের ভাষার নকল করে মিঠু লোকের ভাষার নকল করে সে জন্য মিঠু কে পাঘায় বাঁধি সে জন্য মিঠু কে পিনরায় ভরি अब তোমাকে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে তোমাকে নির্ণয় নিতে হবে কি তুমি কোয়া কি মিঠু মিঠু সুন্দর থাকে মিঠু সুন্দর সুন্দর খাওয়া পায় কিন্তু গোলাম কোয়া ভলে কার কোরিয়া আছে কার আছে কারে বলি না তুমি কালাটাকে কালো কোয়া ভলে কালো আছে কিন্তু আজাদ আজ কে ই ডালি কাল কে ও ডালি কাল কে ও নদী পরশু কে ও নদী কি আজাদ আছে আর বেটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে কি তুমি কোয়া বনতে যাই কি মিঠু কোয়া বন এ মা এ দাদি তুমি কোয়া কাহে কি কোয়া আজাদ কোয়া আজাদ আজাদ থাকে মিঠু নাই মিঠু কে পিনা পিনা ধরে নি মিঠু টাইম টেবিল নাই মিঠু টাইম টেবিল নাই কোয়া টাইম টেবিল ইয়া পর মোড়ের মালিক কোয়া পান নিজের মোড়ের মালিক আছে না তো তোমা কেও কাও কাও করো কিন্তু কোয়া মিঠু বনি নিয়ে নাই মিঠু বললে তোমার গর্দনে ঘেঁচাই পাঘা বাঁধা যায় পাঘা নাই इस समय पाघा नहीं इस समय मुक्तिर समय इस समय मुक्तिर समय अंदर मुक्तिर समय अंदर माय माटी मानुषर मुक्तिर समय এটা এটা পাঘার বাঁধার সময় নাই বল্লা ঠিকঠাক বল রে হ্যাঁ ভালো করে তুমি তো জানি তো বুঝাইতে পারি না ধন্যবাদ রার বাংলা না বিনু বাংলা এটা না কি বাঙালি বলা বাংলা নাই এটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের রার বাংলা ঠিক আছে ওইসে ভি বাঙালি বাংলার কা হাসিয়ান কো মতলব নাই হ্যায় ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডি কা হ্যায় ইসসে হামকো মতলব থা হ্যায় অর রহেগা উসকে লিয়ে মরেঙ্গে কাটেঙ্গে লড়েঙ্গে পানি হো अंदर मकसद होता है सुबह के शेर बनते हुए लड़ाई एक्टर नहीं लड़ाई एक्टर ছেলের নয় एक्टर মানুষের নয় এই লড়াই সমস্ত ঝাড়খণ্ডের বাসীর বটে এই লড়াই সবার বটে আমি তোকে বাত করতে যাই আমাদের সংস্কৃতি চুকি এ शादी का समय है बिहार मौसम এটা না इधर शादी हो रहा है एक अच्छा इधर सुने का अच्छा होता है आप लोग सुने दहेज नहीं लेते हैं प्रसार व्यापार नहीं ना এখানে এটা বলে ভালো ধনবাদে বোকারো দমে টাকা যত টাকা তোতে সুন্দর কন্যা তোতে সুন্দর বর রে বাছা এটা ভালো এটা খুব সুন্দর সন্দেশ এটা খুব সুন্দর সন্দেশ কোনহান থাকে কি এখানে লোকে বেটির বিহাই বেটার বিহাই পণ নাই লে পণ মানে দহেজ দমে খুব সুন্দর সন্দেশ আমি চাই এই সন্দেশটা গাঁও গাঁও যায় গোটে ঝাড়খণ্ডী সন্দেশটা প্রসার হয় हम शादी का बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो संस्कृति वो बहुत महान है
हम लोग बाहर के लोगों का नकल किए ना, जैसे देखिए अभी पुरान नहीं मानिएगा, एगो नया सिस्टम जयमाला चलता है। हम लोग देखा सके बहुत सारा चीज सीखे, पढ़ने सीखे, खाने सीखे, लेकिन हमारी जो परंपरा है आमदे चे निजर परंपरा ओटा तो दो में महान केवल हमें सुने छी। जब हम लोग का शादी होता है और देखिएगा जब वर पक्ष का कन्या पक्ष के सामने एंट्री होता है, बराती लोग गिला जखन कन्या लोग आदान प्रदान है, तखन तीन टा जिनिस आदान प्रदान करे, एक टा थाले, एक टा लोटी चाहे एक टा डुभाए, तीन टा जिनिस आदान प्रदान है, चाहे गमछी लुगा थाके कोनो चीजे चार दुर्घास और कुछ टाका है ना, तीन टा जिनिस दादी तुम्हें सुन भी, तीन टा जिनिस आदान प्रदान है, एक टुकु चार, एक मुठा चार दुर्घास और टाका, एगारो टाका, कुड़ी टाका, पंचाश टाका कोनो माने ना, तीन टा जिनिस आदान प्रदान है। हमें छोटा छेला जे बड़ो अंदर गार्जियन आछे वरा बोली लकार दीबी लकार, इसको क्या बोलते हैं इधर, हमी बनना, हाँ मैं बनना। तीन चीज का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, चावल, चावल बुझी ना, चाल चाल। यदि आजकल का लड़का या लड़की को वहां सामने खड़ा कर दिया जाए तो वे लोग बोलेंगे ये क्या मजाक हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आजकल का नया लड़का लड़की लोग यही बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि इसका यार माने की चार माने सोबा जानी चार ना तो संसार ना है, माइक तक हबी नहीं ना, ये टीवी टाइ पंखा था नए रहले संसार चल रखे, ये डीजे तक नए रहले संसार चल रखे, किंतु चार तक रहले संसार चल बे नए चल बे। तो हमें प्रथम जिन्हें साधन प्रदान करी चार, जखन बिहार तो है चार, दूसरा जिन्हें दुर्घास, तुम्हें दुर्घास से की कोई, तुम्हें की कोई दुर्घास से कोई ना दादी, ए दादूरा दुर्घासेर मोने दुर्घास कभी मोरे ना है, दुर्घास कभी नष्ट नहीं हो है यार, तार मोने कि अंदर रिश्ता था कौन मोरी ना है। बार पक्ष कोंडिया पक्ष दोनों विचार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं अंदर रिश्ता दुर्घास यार मोतान दुर्घास मोरी ना है, अंदर रिश्ता केखनो मरी नाय, जब तक थके सूरज चांद पृथ्वी तब तक हमने रिश्ता टा कायम रहबे, एक मैसेज आके तो एते सुंदर हमने संदेश, एते सुंदर हमने नियम, एते सुंदर हमने संस्कृति, और हमरा मिठू बनते जाए, हमरा मिठू बनते जाए, हमने बहुत भालो संस्कृति, और लास्ट में हम लोग पैसा देते हैं, एक रुपया रहे चाहे ग्यारह रुपया, पैसा का मतलब है लड़का वाला भी देता है और लड़की वाला भी देता है, इसका मतलब है कि जब हमको मुसीबत आए अंदर बिपता तुम ही सॉन्ग दिवे और तुमदर बिपता हम ही तुम्हारे सॉन्ग दिव, यही तो पैसा मतलब सुंदर अच्छे ना, अंदर पूर्वजर संस्कृति कत सुंदर, एक एक नियम मतलब अच्छे, एक एक नियम बखान अच्छे, और हमरा परदेशिया नकल कर इडली ढोसा वाला सांबर घाटला रोटी खपला रोटी सिरा ये लोग। अभी देखिए बारिश का मौसम है ना, टीवी में चाहे पेपर में दो दिन पहले बोलेगा कि फलना दिन बारिश होगी, पेपर में सुनते हैं ना, टीवी में देखते हैं ना, टीवी था के तुम्हें समाचार तुम्हारे समाचार पा जाए कि कल के जल पड़वा, कल के जल पड़ी, तुम्हें टीवी तुम्हें समाचार पत्र माध्यम में पा जाए कि जल पड़वे दो दिन पड़े, ये लॉक गिरा ये भविष्यवाणी का करे वहां के सरकार तुम्हें टाका दे देना, चाहे टीवी गिला चाहे पेपर गिला जे भविष्यवाणी करे वाके हमी मौसम वैज्ञानिक कहा जाए,
लग गया मौसम वैज्ञानिक कहा जाए वाकई सरकार टका दे है। अभी दो दिन क्या बोलता है, दो दिन बाद होगा। और हमारे जो पूर्वज थे उन लोग दो दिन पहले बोलता है ना पानी गिरेगा, यही ना। और हमारे जो पूर्वज थे उन लोग हजार साल पहले बोल दिया है आमे बांध से त्रिकाण। इधर सुने कि नहीं सुने हैं, आमे बांध पेतरेटान जन बच्चर आम भरे जल दमे पड़े जन बच्चर पेपर जल कम पड़े। वारा टाका नहीं लिए थी, वारा पैसा नहीं लिए थी, अरे वारा तो स्कूल कॉलेज नहीं जाए। जे लग गया कथा डक सुधा छे वारा स्कूल नहीं जाए वारा कॉलेज नहीं जाए। हजार बच्चर पहले वारा बोले थी आमे बान तेतरे टान नौकरे बान टीकरे धान। अच्छा ना, तो ये तो सुंदर अंदर संस्कृति। अभी वैज्ञानिक लोग दो दिन पहले बोलता है पानी होगा, यही ना। एक साल पहले बोलता है क्या, हम लोग हजार साल पहले बोल दिए। हमारा बुखार था ना, हम लोग के नजर में बुखार था ना बोलिए। वो लोग पढ़ा लिखा नहीं था, एम ए बी ए नहीं किया था, हम लोग तो पी एच डी करने लगे हैं। उन लोग हजार साल पहले बोल दिया है आमे बान तेतरी टान नकरे बान टिकरे धान। आज भी सही हो रहा है ना, आज क्यों सत्य कथा ना बुझबार दरकार। हमारे संस्कृति को तो महान अच्छे बुझबार दरकार ना, हमारे संस्कृति को तो महान अच्छे। आज के समय अच्छे আমাকে এই আন্দোলনটার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংস্কৃতিটাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘর ঢুকাও, নিজের সংস্কৃতি নিজের ভাষা নিজের পরম্পরা ধরে নিয়ে নিজের বাড়ি থাকে ওকে ব্যবস্থা করো। দূসরাকে ভাষাকে নকল কব তক করনা হ্যায় ভাই, আজাদি কে সাথ রহনা হ্যায় আপনি ভাষা মে বাত কিজিয়ে। अब थोड़ा सा चूंकि पढ़ा लिखा लड़का लोग हैं, किसानों की बात हो गई, थोड़ा शादी ब्याह का बात हुआ तो माताओं बहनों को भी समझ में आया। अब थोड़ा सा पढ़े लिखे का बात करते हैं। अभी आप लोग ब्लॉक में जाइए, वहां देखिएगा मुख्यमंत्री और वो कृषि शायद बाधा कृषि मंत्री और दो तीन वो विधायक का फोटो है, उनके पीछे 100 पदाधिकारी है, पदाधिकारी यानी ऑफिसर जेपीएससी लेवल का 100 है। उन लोग किस चीज का ऑफिसर है पता है, कृषि पदाधिकारी। थोड़ा सा मेरा बात को समझिएगा, 100 आदमी है किसी ब्लॉक में जाइए, मुख्यमंत्री के पीछे लोग पूरा हंस रहा है कि नौकरी मिला है किस चीज में, कृषि पदाधिकारी अधिकारी कृषि पदाधिकारी। अब बात बताइए तो कृषि पदाधिकारी बनने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए, एग्रीकल्चर डिग्री चाहिए ना। वो कृषि पदाधिकारी बनवार जोड़ने एग्रीकल्चर डिग्री चाहिए। तुम्ही हमें के बताओ एक है ना कोई तो एग्रीकल्चर डिग्री अच्छे एक तो नहीं ना, माने कि सबाई बाहरी बटे हैं, सबाई बाहरी बटे हैं। जो आज मुख्यमंत्री पिछू डाई सबाई बारी बटे सबाई सर्टिफिकेट की रचे सबाई नौकरी की रचे लड़ाई बटे लड़ाई लड़ाई बटे वाला कृषि अधिकारी तुम्हारे खेती और बाहरी कृषि अधिकारी काम कर बैक घंटा फर बैक लुवाठी तुम्हारे ठेंगा देखा बैक वाला कृषि अधिकारी बहरिया गिला আর তোমাদের কৃষি তোমাদের খেতি যারা তোদের কাজ করবে নাই এইটাই লড়াই। বলতে পারি দাদা, বলতে পারি পড়া লিখা পড়ে লিখনে বাল লোক সমাজ দেয় না, ইয়ে সাজি সো রই হ্যায় ইসিলিয়ে ইয়ে অন্তিম লড়াই হ্যায়। ইসকে বাদ ঝাড়খণ্ড ওর নহীঁ লড়েগা, ইসকে বাদ ঝাড়খণ্ড ওর নহীঁ লড়েগা। জিয়েঙ্গে সবই মানসে नहीं तो मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। अरे दुनिया में रहने के लिए आया कौन है भाई, कौन रहने के लिए आया है? ये चांद सूरज पृथ्वी इन लोग भी एक दिन मिट जाएगा,
यारा सबाई मिटबे एक दिन तुम्हें की मने जा তোমাকে জানতে হবে এই ধরতী ইয়ারা একটা নিশ্চিত বছর আছে ইয়ারা আয়ু আছে ইয়াকেও মিটতে হবে তো আমি আর তুমি কে আমি আর তুমি কে এই গাছ এই নদী নালা সবাকে মরতে হবে তো আমি আর তুমি কে সেই জন্য আজকে লড়তে হবে চাই মরতে হবে जब कृषि अधिकारी आपका नहीं तो कृषि में गड़बड़ होगा जब कृषि में गड़बड़ होगा तो सब खेती आपका धीरे धीरे छीना जाएगा आप जाके देखिए शहर में टाटा जमशेदपुर सरायकेला शहर में धनबाद का कारखाना में जाइए बोकारो का प्लांट में जाइए हजारों हजारों एकड़ जमीन हम लोग का लिया गया है और नौकरी यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा वालों को अभी तो बांग्लादेश वाला घुसने लगा है अभी बांग्लादेश वाला घुसने लगा है इसीलिए जरूरी है 1932 का खतियान यही झारखंड की स्वाभिमान यही झारखंड की पहचान ये झारखंड चाहे यहाँ का कोई रहे आदिवासी संथाली रहे मुंडा रहे कुर्मी रहे तेली रहे पामन रहे पनिया रहे मुसलमान रहे चाहे जो रहे जो खतियानी है वही झारखंडी है सब झारखंडी नहीं हो सकता है सब बिहारी नहीं हो सकता है सब बंगाली नहीं हो सकता है तो सब झारखंडी भी नहीं हो सकता है इसीलिए मेरे साथियों की लड़ाई को लड़ना होगा लड़ेंगे तो कम से कम कुछ तो बचेगा ना यहाँ कोई नहीं रहेगा अरे इतिहास बोलता है वो सम्राट अशोक हुआ करते थे आज उनका परिवार में कोई बचा है क्या कोई नहीं बचा है इतिहास कहती है एक महान सिकंदर होता था जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था आधी दुनिया को आज वो है आज उसका परिवार है तो हम और आप कौन है हम वर्तमान में जिएंगे हम आज में जिएंगे कल कौन रहेगा नहीं रहेगा हमको मतलब नहीं है आज ये जगह मेरा है ये जमीन मेरा है ये नदी का पानी मेरा है ये दलवा से लेके सरंडा का जंगल ये पारसनाथ का पहाड़ मेरा है तो मेरा ही रहेगा आज सरकार को बताने की जरूरत है आज स्थानीय नीति नियोजन नीति बनानी ही होगी नहीं तो सारा अब मान के चलिए टीचर बहाली मान के चलिए टीचर बहाली लगभग 90,000 पेमेंट एक और टीचर कम से कम 10 गो परिवार को 10 गो परिवार सेपरेट हो जाता 10 परिवार यानी 10 गो झारखंडी यदि वहां बहाली को जाएगा वो केवल नौकरी लेके नहीं आएगा उसके पास पैसा होगा हमारे पास जमीन होगा हमारे पास तो पैसा नहीं होगा उस वो अपने पैसा से हमारा जमीन लेगा याद रखिएगा यही वो घर बनाएगा फिर वोटर आईडी बनेगा फिर राशन कार्ड बनेगा और रिटायर होने के बाद फिर यही विधायक बनेगा जसन सरयू राय बन्ना गुप्ता सरयू राय का पुतो बिहार में मुखिया लड़ी थी भले हार गई लड़ी थी ना ऐसी आजादी और कहा झारखंड जैसी आजादी और कहा भैया इनका दोनों टांग एक टांग यहाँ है एक गंगा पार में है एक यहाँ है एक हावड़ा ब्रिज पार में है इन लोग को दोनों जगह जगह अधिकार चाहिए हम लोग मर जाए हम लोग बर्बाद हो जाए हम लोग विस्थापित हो जाए हम लोग कट जाए कोई मतलब नहीं है ये सरकार बहुत बेईमान है तो पैमाना पर रहने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए इसलिए ये अंतिम लड़ाई है तो आशा करते हैं मैं जिस मकसद से यहाँ आया था अभी जो मकसद था ये एक खाने आसे चिलो तुम्हें बोलते पार्लम बोलते पार्ली ना
দাদারা ভেড়ারা কাকিরা জেঠিরা দাদিরা দিদিরা তুমি বুঝতে পারলি না এই লড়াইটা তোমাকে লড়তে হবে তোমাকে রঘুনাথ মাত্র বংশপরি তুমি তুমি নির্মলের সঙ্গীপতি তোমাকে এই সরকারকে দেখাতে হবে কি আমরা এখানে গালের একটা কোনায় তীর ধনুক রাখি তোমাকে দেখাতে হবে कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना मेरे खून बेकार ना जाए मेरे खून का हिसाब रखना मेरे खून का हिसाब रखना ठीक है आप सभी यहां तक आए तुम्हें सुबह और साथी युवाओं याद रखिएगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाला मानसून सत्र ईट से ईट बजाने का काम हम करेंगे विधानसभा हिलाना होगा आप सभी को जिला वाइज ऐसा नहीं एक ही दिन भीड़ नहीं करना है जिला वाइज आना है 7 से 8 दिन चलेगा एक दिन सरायकेला तो अगला दिन धनबाद तो दूसरा दिन बोकारो जिला वाइज जो अब मानसून सत्र आएगा उसमें जिला वाइज विधानसभा का घेराव करना होगा ये तैयारी चल रही है आप लोग भी तैयार हो जाए क्योंकि अब समय आ गया है तमाम सरकारों को उखाड़ फेंकने का कोई हितैषी नहीं है इससे पहले की सरकार और बुरी थी ये सरकार और बुरी है और जो आएगी शायद और बुरी हो इसलिए तमाम सरकारों को एक सिरे से उखाड़ फेंकने का समय आया है सभा के जोहार धन्यवाद